हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दी एग्ज़ाम हेल्पर में। मैं हूं आपका दोस्त फ्यूचर हेल्पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपके टारगेट एसएससी एमटीएस जीडी को लेकर हमने बैच स्टार्ट किया था उसका आज सेकंड पार्ट होने वाला है। फर्स्ट पार्ट जो है हमने ऑलरेडी जो है चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप जाइए और उसे देखिए। यहाँ पर हम जो है जब तक आपका जो है एग्ज़ाम चलेगा एसएससी एमटीएस का, जैसा कि मालूम होगा आपको, आपका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर में है, उसके बाद आपका जेडी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो तब तक हम 1500 जीके के क्वेश्चन कर लेंगे जब तक एमटीएस होगा, और उसके बाद जैसे ही और बढ़ा देंगे इसको। तो टॉप 25 हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन पर आधारित होंगे और इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है ना। इससे पहले एक वीडियो हो चुका है अपलोड, जाइए और उसे देखिए, ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो ये देखिए हमने सोर्स कहाँ से लिया है, तो ये एमटीएस की फाइल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिख रहा होंगे, ये जीडी की फाइल है, ठीक है। तो यहाँ से हमने सोर्स इसका लिया है, बिल्कुल प्रीवियस ईयर से हम उठा के ला रहे हैं आपके लिए। क्वेश्चन सेलेक्टेड जो कि बार बार रिपीटेड होते हैं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो रोज़ हमारा जो है वीडियो आने वाला है उसके लिए आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा किसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया था। तो देखिए 2019 का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये, ठीक है, उस समय का करंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो करंट अफेयर इसमें पूछा जाता है 2 से 3 नंबर का, ठीक है। तो आप बिल्कुल करंट अफेयर याद करके जाएँ, ठीक है। तो उस समय जो है मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया था मनप्रीत सिंह को। तो मनप्रीत सिंह कौन है ये आपको मालूम होगा कि ये टीम इंडिया जो हॉकी की टीम है इंडिया की, उसके जो है ये कैप्टन है। कौन है? कैप्टन है, ठीक है। और हम और मैं बता दूं जो अभी ओलंपिक हुआ है 2021 में, जो टोक्यो में ओलंपिक हुआ है उसमें जो हॉकी की टीम है उसने अभी हमारा जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया। कौन सा ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया? यानी कि कांस्य पदक जीत लिया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से पूछा गया था कि कंप्यूटर के क्षेत्र में BGA का क्या अर्थ होता है। ये क्वेश्चन तो मान के चलिए हर एक मतलब हर बार कम से कम 2 से 3 बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, इसको आप रट लीजिएगा। तो इसका मतलब होता है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ठीक है ना, वीडियो ग्राफिक्स एरे आप इसका याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 दिसंबर 2019 में भारतीय थल सेना के नए सेना प्रमुख कौन बने थे। तो मनोज मुकुंद नरमाने बने थे और इस समय भी यही हैं, ठीक है। और सबसे बड़े जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ होता है वो कौन है? तो वो हैं हमारे कौन? बिपिन रावत, ठीक है। बिपिन रावत जो कि नया पोस्ट आया था, ठीक है, 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फोर्थ जो क्वेश्चन पूछा गया था ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, इसे कोई याद रखेगा। प्रोटीन जो है वो कितने अमीनो एसिड्स यानी कि अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है? तो जो है प्रोटीन जो है आपका 20 अमीनो एसिड से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है उस्ताद अलादिया खान। कौन? उस्ताद अलादियन खान, अलादिया खान करके किस हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से रिलेटेड हैं? तो ये भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, तो जयपुर घराना हो जाएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए कंप्यूटर से है, तो कंप्यूटर से भी 2 से 3 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। जो खेल जो संस्कृति वगैरह है, मेले हैं, जो भी नाट्य संगीत है, लोक नृत्य हैं, लोक गीत हैं, उससे रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। साइंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सब कुछ आपको याद करना है, स्पोर्ट्स से भी 2-3 आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि एप्पल के द्वारा सफारी करके एक ब्राउज़र जारी किया गया था, तो कब जारी किया गया था ये? 2003 में इसे जारी किया गया था। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में NTPC के पेपर में भी ये देखने को मिला था कई शिफ्ट में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है, ठीक है। ठीक है, इससे पहले मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था उसमें क्वेश्चन था कि भागीरथी जो नदी है ये किसकी सहायक नदी? तो गंगा की। और भागीरथी नदी के ऊपर ही जो है ये बांध बना हुआ है, टिहरी बांध, जो कि कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और इसकी ऊंचाई है 260.5 मीटर। अब ये क्यों पूछा गया था? क्योंकि ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा? सबसे ऊंचा, ऐसे ऊंचाई के माध्यम से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2019 मिला था। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें दीपा मलिक हो जाएगा, वैसे 2 लोगों को मिला था, दीपा मलिक प्लस बजरंग पुनिया, ठीक है। बजरंग पुनिया जो कि आपको मालूम हो पहलवान है, ठीक है, बजरंग पुनिया और दीपा मलिक को मिला था, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं 2020 में किसे किसे मिला है, किसे 2020 में? 2020 में देखिए पहले तो हो गए आपके रोहित शर्मा। कौन हो गए? रोहित शर्मा, जो कि आपको मालूम हो क्रिकेटर है, ठीक है। दूसरी हो गई विनेश फोगाट जो है आपको मालूम होगा कौन है? रेसलर हैं, ठीक है, रेसलर। तीसरी हो गए हमारे जो है
रानी रामपाल, रानी रामपाल जो है आपको मालूम होगा हॉकी की कैप्टन है महिला टीम की, ठीक है। इसके बाद हो गया मनिका बत्रा, ठीक है, मनिका बत्रा जो कि आपको मालूम होगा टेबल टेनिस से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद हो गया मरियप्पन थंगा वेलु, मरियप्पन थंगा वेलु जो कि आपको मालूम एथलीट है, कौन है एथलीट, ठीक है। तो पाँच लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। अगर हम बात करें राजीव गांधी खेल रत्न स्टार्ट कब होता है, तो 1991 से लेकर 1992 के बीच स्टार्ट होता है। भारत का सबसे बड़ा खेल में दिया जाने वाला अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न है। राशि जो है पहले 7.5 थी, पहले थी ये, बट 2020 में इसे चेंज कर दिया गया है, अब हो गई है ये 25 लाख। तो याद रखिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन था राजीव गांधी खेल रत्न से रिलेटेड। हाँ, एक और क्वेश्चन है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न किसे मिला था, तो विश्वनाथन आनंद, कौन है ये शतरंज के प्लेयर हैं, विश्वनाथन आनंद को पहला जो अवार्ड है ये मिला था, ठीक है। तो याद है, या आप ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 से 77 के दो आपातकाल जब लगा था 1975 से 70 के दौरान, तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो फखरुद्दीन अली अहमद। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा रिपीटेड है कि आपातकाल के समय प्रधानमंत्री कौन होता है, राष्ट्रपति कौन होते हैं। तो आप याद रखिएगा, पूरे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री याद करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे, ठीक है, काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है। 1809 में इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यार दोस्तों, वीडियो आपको अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं मात्र 10 से 12 मिनट के अंतर्गत। कोई भी फालतू का इसमें आपको बिल्कुल भी मतलब कंटेंट नहीं मिलेगा, बिल्कुल क्वेश्चन टू क्वेश्चन चलते हैं, बिल्कुल डिटेल वाइज बात की जाती है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं, 11 क्वेश्चन है, रैले आयोग बनाया गया था कब, 1902 में, 1902 में रैले आयोग बनाया जाता है। यह किसमें सुधारों की संस्कृति, यानी किसमें सुधार करने के लिए बनाया गया था, तो शिक्षा व्यवस्था जो थी हमारी उसमें सुधार करने के लिए इसे बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 2019 में, ठीक है, देखिए करंट से ये तीन क्वेश्चन होगा ये करंट से रिलेटेड, ठीक है। तो 2019 में नर्तकी नटराज को कौन सा पुरस्कार मिला था, तो पद्मश्री इन्हें मिला था, बहुत ही ज़्यादा फेमस अवार्ड उस समय ये चल रहे थे, तो उस समय इसलिए इसे पूछा गया था, ठीक है। नर्तकी नटराज को पद्मश्री मिला था। अब आपको क्या करना है, वर्ष 2021 के जो हैं पद्मश्री पद्मश्री पद्म भूषण पद्म विभूषण जो है आपको याद करके जाना है, एक क्वेश्चन आपको डेफिनेट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, ठीक है। तो सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था, तो 1987 में। अब देखिए ये पूछा गया है सार्क का सचिवालय, सार्क नहीं पूछा गया है, सार्क की जो स्थापना होती है वो होती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना होती है 1985 में, कब, 1985। इसका जो मुख्यालय है वो नेपाल के काठमांडू में है, नेपाल के काठमांडू में, ठीक है। दक्षिस के नाम से भी इसे जाना जाता है, और इसका सचिवालय की बात किया है तो वो होता है 1987 में। बहुत से जो 90% स्टूडेंट ने इसका आंसर 1985 लगाता है, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि सार्क की स्थापना होती है 1985 में, जबकि सचिवालय वो बना था 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। तो मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हो जाएंगे, शतरंज, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न है, डेफिनेटली हर बार इस प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो देखिए स्पोर्ट्स से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल चुके हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा साइंस से है, किस प्रकार के जीवों में खुला परिसंचरण तंत्र होता है, तो मोलस्का। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब सारे रिपीटेड प्रश्न पूछता है SSC, कितनी बार तो रिपीट हो चुके हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो मोलस्का ऐसा जीव है जिसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार के पूछता है वो खुला किसमें है, बंद किसमें है, मिक्स किसमें है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, भूटान जो है हमारा, भूटान जो देश है उससे कितनी भारतीय राज्यों की जो है सीमाएं लगती हैं, तो आपका सही आंसर हो जाएगा 4। कौन कौन से हैं, आप ट्रिक याद कर लीजिए, पास, पश्चिम बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में लिंगानुपात कितना था, तो 1084 जो था वो लिंगानुपात था केरल में, जो कि हाईएस्ट था, कितना था, हाईएस्ट पूछा गया था, जो कि हाईएस्ट था। और अगर हम बात करें जो साक्षरता दर है वो भी केरल की हाईएस्ट है, जो कि है 94%, ठीक है। अगर न्यूनतम लिंगानुपात की बात करें तो वो है हरियाणा का हो जाएगा, जो कि अप्रोक्स 7.7 के समथिंग है, वो मुझे याद नहीं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। 18वां जो है प्रश्न आपको पूछा गया था, 44वां संविधान संशोधन किस अधिनियम के द्वारा लागू किया जाता है, तो 1978, ठीक है। तो आप दो दो प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, एक 42वां, तो 42वां आप याद रखिएगा 1976 में लागू होता है, जबकि 44वां 1978 में, और 1978 में ही कानूनी
जो संपत्ति का अधिकार था वो भी इसी के तहत इसे संशोधन किया गया था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा ही जो संपत्ति का अधिकार है इसे भी सुरक्षित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईडन गार्डन जो है स्टेडियम कोलकाता में स्थापित है, इसकी स्थापना कब की गई थी ये पूछा गया था, तो 1864 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। बहुत ही ज़्यादा फेमस प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लेखक कौन है, तो अरुंधति राय हो जाएंगी। ये देखिए ये मैन बुकर पुरस्कार की पुस्तक, मैन बुकर पुरस्कार इन्हें मिला था इसके लिए, इस बुक के लिए, इसलिए ये फेमस जो बुक है बार बार पूछी जाती है, कईयों बार रिपीट हुई है, ठीक है, तो इसलिए इन्हें द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक मिली के लिए मैन बुकर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, उसके लिए इन्हें जो है ये पुस्तक जो है पूछी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न हम देख लेते हैं। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित हो जाएगा दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, और यहाँ पर कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ये खेल संस्कृति से वगैरह आ गया, यानी कि जो संस्कृति होती है हमारी लोकगीत वगैरह वहाँ से आ गया, कि सागा दावा जो है किस राज्य का त्यौहार है। सागा दावा बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड प्रश्न है, जो है सिक्किम का आपका हो जाएगा। बिल्कुल आप यह तो याद ही कर लीजिए, मतलब रट लीजिए, बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, देखिए ये को साइंस से मिल गया, ठीक है, 10.8 जो है वो चांदी का आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है, तो लास्ट दो प्रश्न रह गए हैं, ठीक है। तो अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली इसी तरह की वीडियो को पाने के लिए, और बाकी हमारे चैनल पर जो है इन्फॉर्मेशन भी दी जाती है बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम से जुड़ी, तो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो प्रश्न है वो है भारत के कृषि जो क्षेत्र है भारत का उसमें किस प्रकार की जो है बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रछन्न बेरोजगारी पाई जाती है, ठीक है ना, कैसी प्रछन्न बेरोजगारी जो है वो देखने को आपको मिलेगी। अब देखिए ये बहुत ही ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, मतलब ये प्रश्न मैं बता सकता हूँ आपको प्रत्येक शिफ्ट में देखने को मिलेगा इससे जुड़ा एक प्रश्न, अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। नीरज चोपड़ा बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि आपको मालूम होगा अभी 2021 में टोक्यो ओलंपिक जो हुए हैं उनमें इन्होंने गोल्ड जीता है, क्या जीता है, गोल्ड, और 2008 के बाद ये गोल्ड हमारे पास आया है, ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब ये पूछेगा कि इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, तो भाला फेंक से हो जाएंगे जी नीरज चोपड़ा, ठीक है, तो याद रखिएगा भी गोल्ड जीता हुआ है इन्होंने, ठीक है। तो ये हमारी वीडियो थी, ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपको कल मिलेगी, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।